दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेरी मर्जी। सो अभी हम लोग BSNL ऑफिस में हैं और इतना ज़्यादा स्लो है, मतलब क्या बोलो। हम लोग सिम चेंज करने के लिए आए थे बट कब से यहाँ पे खड़े हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा स्लो है। जो काम हो रहा है बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अगर आप आते हो आपका काम काज छोड़ के, यहाँ पर आधा दिन आपका चला जाएगा, ये गारंटी है। यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं अभी फ़िलहाल। सो प्रोसेसिंग इतना ज़्यादा स्लो है, मैं बयान नहीं कर पाऊँगी। अभी बहुत ज़्यादा स्लो है, लोग खड़े हुए हैं। मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों के नेटवर्क के जैसे इन लोगों का काम भी है, पता नहीं। सो इतना ज़्यादा स्लो काम होने से कैसे चलेगा, मतलब बॉस हम लोग फेडअप हो चुके हैं अभी। और दोस्तों घर पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए मेरा मैगी और ये चाय। और मैगी कैसे बनाती हूँ आप लोगों को पता है, और इसलिए मैंने नहीं दिखाया वो चीज़। सो मैगी में थोड़ा सा मैंने चिली भी दे दिया है, बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। हाय दोस्तों, सर में पूरा तेल दिया है, वो भी क्या बोलते हैं उसको, सरसों तेल, दैट मीन्स मस्टर्ड ऑयल दिया है मैंने। मैं ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल ही देती हूँ सर पे। सो आज BSNL ऑफिस में गई थी और बहुत लोगों का ऐसा हो रहा है कि सिम जो है वो ख़राब हो रहा है, क्योंकि वो 4G प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपका ऐसा हुआ है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोग जाइएगा, जाके वो लोग एक फॉर्म देगा, ठीक है। आप पैन कार्ड लेने से हो जाएगा, आप लोग आधार वो लोग देखता नहीं है। और उस फॉर्म पे आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा, जो आपका सिग्नेचर है वो मतलब मिलना होगा, ठीक है। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देख के आप लोग सिग्नेचर कीजिएगा, और जो पुराना वाला सिम है जो ब्लॉक होके रखा है, वो वाला सिम आप लोग को दे देना होगा। नया सिम आप लोग को दे देना होगा, 1 घंटे के अंदर वो एक्टिवेट हो जाएगा। मेरा मम्मी का भी एक्टिवेट हो गया है अभी। तो ये प्रोसेस मैं बोल के दे रही हूँ, शायद किसी का काम में आ जाए, इसलिए मैं बोल दे रही हूँ आप लोगों को। सो दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। ऊपर वाले ने जब हम लोगों को इस दुनिया में भेजा है ना कुछ एक पावर दे के भेजा है। कुछ ना कुछ आप में है वो प्लाज्मा पॉइंट, कुछ ना कुछ है आप में वो एक्सपेक्टर जो आपको पहचानना है। जैसे कि वो बहुत लोग समझ लेते हैं कि वो कुछ बड़ा ही कुछ चीज़ होना होगा तभी मैं स्पेशल हूँ। नथिंग लाइक दैट, ठीक है। कोई अच्छा, देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कोई अच्छा बोल पाता है, ठीक है, उसका पावर क्या होगा, बोलना, वो बोल पाता है अच्छे से, ठीक है। कोई एक इंसान बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकता है, ठीक है, उसका पावर क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, ठीक है, वो आर्ट करता है। कोई एक इंसान बहुत अच्छा सा अच्छे से 1 मिनट में 2 मिनट में मतलब अच्छे से फ्रेंड बना लेता है, उसका USP क्या हो गया, फ्रेंड बनाना, ठीक है। तो सब में कुछ ना कुछ है बॉस, सब में कुछ ना कुछ है। वो चीज़ आप लोगों को पहचानना है कि आपका वो USP, आपका वो पावर है क्या, ठीक है। और एक बात कि अभी सपोज़ आप लोगों ने जान लिया है कि आप लोगों का पावर है क्या, आप लोगों का USP है क्या, आप लोग अगर उसके ऊपर काम नहीं किया, लेकिन आप लोग दूसरों को पॉइंट आउट करते हो कि ये कैसे किया, हाँ ये इसका तो कुछ भी नहीं है, वो नहीं है, इसका तो होना ही नहीं चाहिए था, तो बॉस आप क्या कर रहे हो, वो इंसान काम कर रहा है, ठीक है, आपकी तरह सोच के रह नहीं गया, ठीक है। वो इंसान उसके ऊपर काम कर रहा है, इसलिए उसको मिला वो सब चीज़। आप कुछ लोग क्या होते हैं, सोचते रहते हैं और दूसरों को पॉइंट आउट करते रहते हैं कि यार इसको कैसे मिल गया, इसको तो मिलना ही नहीं चाहिए था, इसको तो वो फलाना फलाना ढिमकाला ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो बस एक बात और याद रखना, आराम हराम है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आराम हराम है। तो जब तक आप लोग आराम करते करते सोचते रहोगे, कोई और
मतलब चीज़ों को लेके चला जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। एक ट्रू स्टोरी मैं बताती हूँ, मेरी ट्रू स्टोरी। मैं बहुत पहले 2014 में आई थिंक मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था, फिर उसको मैंने ब्लॉक कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो क्यों ब्लॉक किया, क्यों वो चैनल मैं डिलीट कर दिया, ये आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने यूट्यूब चैनल एक खोला था, बहुत पहले खोला था, तो बहुत लोग बोलते हैं तू ये क्या कर रहा है क्या, तब उतना सेंस नहीं था मेरा, तो बोलता है कि बोलता था कि तू ये क्या कर रहा है क्या, मतलब हंसते थे लोग। ठीक है, तो तब क्या हो गया कि मैंने खुद की नहीं सुनी, उन लोगों का सुना जो लोग ऐसे बोलते थे। तो उतना एज भी नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने क्या किया, उस अकाउंट को मैं डिलीट कर दिया। चलो, तो ये चीज़ मैंने गलत किया। अगर मैं तब खोलती, तब अपनी बात सुनती कि नहीं अकाउंट खोला मैंने, मैं अच्छी अच्छा मैं काम करूँगी, अच्छा काम करने के लिए मैंने खोला है, तो क्यों मैं लोगों का बात सुनूं। तो इसलिए ना, आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो लोग भले हंसे, भले आपको नेगेटिव कमेंट दे, भले आपके आपको ले मतलब पीछे खींचे, आप बोलिए करो आप लोगों को जो करना है, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। ठीक है, इन मतलब खुद को इनकरेज खुद ही करना है, लोग नहीं करेंगे, ये सच बात है, लोग नहीं करेंगे, आपको खुद करना है। अगर ऐसा नेगेटिव आप इन्वायरमेंट में हो तो आपको खुद को इनकरेजमेंट करना होगा। जैसे कि मैं वो अगर मेरा यूट्यूब चैनल तब होता तो आप आज सोचो मेरा मतलब कितना, एक यूट्यूब का कितना बड़ा एक फैमिली होता है ना। वो गलत कर लिया मैंने, तो कुछ गलतियां होती है सीखने के लिए, और उस गलतियों को नहीं दोहराना होता है। ठीक है, सो आज का ब्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो बेल आइकन का ज़रूर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे, और थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू, आप लोग मेरा साथ दे रहे हो, मेरा साथ हो। मेरा एक 500 का परिवार है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरा 500 का एक परिवार होगा। सो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, एंड थैंक यू गॉड, एंड थैंक यू माय पेरेंट्स। चलो बाय, कल मिलते हैं।